अरे दूसरा ये कहा गया भाई किसान बहुत ज्यादा नाराज हैं आपसे, और किसान तो किसी एक जात बिरादरी में बंधा हुआ नहीं है, किसान आंदोलन भी कर रहा था और किसान ने यह भी दिखाया कि आपको कृषि कानून वापस लेने पड़े, और आप लोग ये हमेशा कहते रहे हरियाणा में उसका असर नहीं है, तो हरियाणा का किसान इस बार असर दिखाएगा। देखिए मेरा यह मानना है किसान को एक जाति से जोड़ना बिल्कुल गलत है। किसान भारत की अर्थव्यवस्था और भारत की सामाजिक व्यवस्था की रीढ़ है और उसमें सभी जातियों के लोग शामिल हैं। और 2022 का यूपी का चुनाव हुआ था, आप याद करिए उसमें क्या परिणाम रहा था जो किसान की बात करते थे, और पंजाब का भी चुनाव हुआ था, उस समय सबसे बड़े किसान नेता, मैं नाम लेकर किसी के लिए कोई आक्षेप नहीं करना चाहता, जमानत जब्त हो गई थी, और उत्तर प्रदेश में सबसे बड़े किसान नेता थे, उनकी सीट पर भाजपा जीती वो विषय नहीं था, उनका पोलिंग बूथ जो था जहां उस पर उतने वोट भी उनके समर्थक दल को नहीं मिले थे जिससे ज्यादा लोग उनकी पंचायत में बैठे रहते थे। तो मेरा यह मानना है किसानों के लिए जो कार्य किया, हरियाणा में 24 सभी 24 फसलों पर एमएसपी देने का काम हमारी सरकार ने किया जो किसी ने नहीं किया। अब देखिए इन्होंने अपने घोषणा पत्र में वादा किया कि एमएसपी की लीगल गारंटी करेंगे, इसका मतलब राज्य सरकार कर सकती है, बिल्कुल कर सकती है, कानून व्यवस्था राज्य का विषय, आप किसी चीज को लीगल इलीगल कर सकते हैं, हमने धर्मांतरण को इलीगल कर रखा है, कई और चीजों के बारे में इलीगल कर रखा है, अगर आप देखें तो कर दीजिए ना, पंजाब में तेलंगाना में कर्नाटक में कौन रोक रहा है भाई, एमएसपी को लीगल कर दीजिए, करना नहीं है हल्ला मचाना है। तो मुझे लगता है अब वो किसान उस दौर का नहीं है, और हमेशा से किसानों के विरुद्ध अगर कोई पार्टी खड़ी रही है, चौधरी चरण सिंह सबसे बड़े किसान नेता थे, उनको मुख्यमंत्री सीएम यूपी का भारतीय जनसंघ ने बनाया था, और प्रधानमंत्री पद पर उनको धोखा दिया था कांग्रेस ने, चौधरी अजीत सिंह 1989 में सीएम बनना था उनको, मगर वीपी सिंह और मुलायम सिंह ने मिलकर उनको सीएम नहीं बनने दिया, उत्तर प्रदेश का सीएम बने, फिर चाहे चौधरी देवीलाल हो, और बल्कि मैं तो एक और बात कह दूं, भारत के इतिहास के पहले किसान नेता कौन थे महोदय, आजादी से पहले सरदार पटेल, सरदार की उपाधि सरदार ऑफ बारडोली से मिली थी, बारडोली किसान सत्याग्रह, उनके साथ भी धोखा किया था। तो इसलिए किसानों के सारे नेता सरदार पटेल हो, चौधरी चरण सिंह हो, चौधरी देवीलाल हो, सबके साथ जो हुआ, तो मुझे लगता है अब सब लोग प्रबुद्ध हो गए हैं, साक्षरता दर 80% पहुंच गई है, तो बहुत आसान नहीं रहता है, कुछ समय के लिए आप भ्रम पैदा कर सकते हैं, बहुत लंबे समय सस्टेन नहीं। चलिए तो जवान किसान वो आप कह रहे हैं कि और जाट ये मुद्दा नहीं चला, लेकिन एक और मुद्दा था जिसको लेकर बार बार सवालों के घेरे में सरकार रही, वो था पहलवान। अभी जो अपडेट आ रही है विनोद फोगाट भी 5000 वोटों से पीछे चल रहे हैं अपनी सीट से जलाना से, तो यानी ये जो पहलवानों को लेकर जो इमेज टार्निश करने की कोशिश की गई थी वो भी बहुत ज्यादा काम करती हुई नहीं दिख रही है। पहलवानी या कुश्ती भारत का बहुत प्राचीन और परंपरागत खेल, इसमें तो जैसे हरियाणा जैसे राज्य में, पंजाब पश्चिमी उत्तर प्रदेश गांवों में मल्ल युद्ध होते थे, और हमारा नैसर्गिक जो क्षमता थी वो कितनी थी, दर्शक शायद ये ना याद रखते हो, हॉकी के अलावा अगर पहला स्वर्ण पदक इंडिविजुअल इवेंट में भारत को मिला है तो कुश्ती में मिला 1952 के हेलसिंकी ओलंपिक में, केडी जाधव ने कांस्य पदक जीता, सोचिए बगैर किसी सुविधा के ओलंपिक में मेडल जीत आए थे 1952 में। अगर इन सरकारों ने कुश्ती पहलवानी को सही दिशा में दिया होता तो आज भारत पूरी दुनिया में कुश्ती में राज कर रहा होता, क्योंकि हमारे हर गांव में वो पहलवानी होती है, मगर इनके लिए पहलवानी भी सिर्फ राजनीति की एक निशानी थी, इसीलिए पहलवानों का दुरुपयोग किया। और एक और मैं बात कह दूंगा गंभीरता से भी, और कोई लाइटर नोट समझे तो लाइटर नोट, ये मुद्दा आधारित जो आंदोलन होते हैं ना उनका अंतिम लक्ष्य सत्ता प्राप्ति होता, भले ही वो अपने को कहें गैर राजनीतिक, ये पहलवान आंदोलन वही था, एक दो लोग राजनीति में पहुंच गए और बाकी सब वो गैर राजनीतिक कहते हुए बाकी खिलाड़ी और पहलवान बेचारे खड़े के खड़े रह गए। ये अन्ना आंदोलन भी यही था, केजरीवाल जी कस्में खाते रहे राजनीति में नहीं जाएंगे, मौका पाते खट से राजनीति में जाके सत्ता हासिल कर ली और बाकी लोग सब किनारे खड़े रह गए। ये बीपी सिंह का आंदोलन भी यही था। तो जनता को समझना चाहिए कि मुद्दा आधारित घोषित रूप से गैर राजनीतिक आंदोलन चलाने वालों का आखिरी लक्ष्य राजनीतिक सत्ता की प्राप्ति ही होता है, और इसमें वो दूसरों का उपयोग करके अपनी सत्ता प्राप्ति की सिद्धि करते हैं। ये मैंने तीन उदाहरण आपको भारत की राजनीति के दिए।